कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अक्सर हम इमोशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज की झलक देखते हैं, जहां केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन बड़े ही सिंपैथेटिक वे में सबकी कहानी सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुछ फनी मोमेंट्स राइट फ्रॉम द सेट्स ऑफ केबीसी। तो आइए देखते हैं इनके कुछ ग्लिम्पसेस। मेरा नाम चांदनी मोदी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, मैं ICDS सुपरवाइजर का काम करती हूँ। हमारा रिलेशन ही ऐसा है, दोनों को एक दूसरे की फ्रीडम हम दे रहे हैं, तो उसको जो करना चाहती है वो कर रही है, मैं बस उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। एक बात बताना चाहूँगा सर। हाँ जी बोल दीजिए। उसने शादी के लिए इसलिए हाँ बोली कि उसको मम्मी पसंद है। सर एक्चुअली ऐसा था, इनकी मम्मी जो साड़ी पहन के आई थी तो उसकी स्टाइल वगैरह, मैंने कहा स्टाइलिश सास है तो मुझे भी अच्छा लगे। यहाँ आना तो मेरा सपना था, पर अभी उससे भी बड़ा सपना है कि मुझे वहाँ आना है। सर मैं अभी उतनी महान नहीं बनी हूँ। नहीं नहीं हम बिल्कुल मानेंगे नहीं, आपको बिल्कुल आना पड़ेगा, इधर चलिए इधर। अगला प्रश्न, चांदनी मोदी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सी लग रहा है पर इतना श्योरिटी नहीं आ रही है सर, आपको पता होगा वैसे। हम घूंघट में हैं, नीचे किए हैं सर, यंग ही दिखते हैं वैसे स्क्रीन पे तो। देवी जी ऐसा लग रहा है कि हम और आप किसी बाग में बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि वो तो ऐसा था, फिर कजर आपका भोजन ठीक था, आपका रात को क्या खाया आपने? आप बात करना बंद कर दीजिए और उत्तर दीजिए। सर सीट क्या करूँ, तल लगाऊं? कमरे मार्श है, तल लगाया जाए। भाई साहब आपका ब्याह हो गया है सर, कभी किसी बात पर कोई झगड़ा बड़ा हुआ? थोड़ा बहुत तो झगड़ा हर जगह होता ही है सर। हाँ सर, बर्तन होंगे तो बजेंगे सर। देवी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्हें घर पे क्या बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं। नाम से बुलाते हैं, बहुत सी अलग अलग प्रथाएं हैं, कुछ कहेंगे अरे सुनती हो के नाम से सेव है सर इनका नंबर। भाई साहब आप बहुत यूनिक है, सीखने को मिल रही बहुत सी बातें। हम अपने फोन के पत्नी का जो इनिशियल है ना JB वो लिखते हैं, आज रात से ही बदल देंगे, सुनती हो कर देंगे। माता जी जो कुछ होता है इनके जीवन में बता देते हैं आप? जी सर। ये हॉस्टल के जीवन के बारे में कुछ इन्होंने बताया आपको? नहीं नहीं सर, वहाँ का नहीं बताता कुछ भी। क्यों भाई साहब, क्या बात है ये? आपने कहा कि माता जी को हम सब कुछ बता देते हैं। स्कूल जब तक था तब तक बताता था सब कुछ। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए कौन कौन सी बातें आपने अभी तक नहीं बताई। सर नॉन वेज खाना मम्मी को मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, ये नॉन वेज के दो अर्थ होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं सर, वो उसकी इच्छा है, इच्छा के अनुसार ही होता है ये सब। देवी जी मैं क्या बताऊं आपको। तो कैसा लगा आपको केबीसी का ये डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन? डू लेट अस नो योर व्यूज ऑन द सेम। तब तक बने रहिए हमारे साथ फॉर न्यूज अपडेट्स एंड गॉसिप्स।